तो दोस्तों यह वीवो का Y33s आ जाएंगे इस फ़ोन के हिडन फीचर के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। दोस्तों यह वीवो Y33s जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा पीछे की साइड में। इसके आपको दो कैमरा मिलेगा, दो दो मेगापिक्सल का। और फ्रंट की बात करें तो 6.58 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा और इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल का। तो चलिए दोस्तों इसके हिडन फीचर के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं इस फोन के सेटिंग में और आपको बताऊंगा इसके सेटिंग के एक एक फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आइस प्रोटेक्शन, इसमें आपका आँख का प्रोटेक्शन होगा। अगर इस बटन को ऑन करते तो आपको यहाँ पर येलो कलर की लाइट चलेगी जिससे कि आपका आँख में जो रोशनी जाती है वो कम जाएगी। उसके नीचे में दोस्तों डार्क थीम, इसका मतलब ये होता है दोस्तों क्या इसको ऑन करते तो फिर आपका जो वाइट का बैकग्राउंड है वो ब्लैक में बदल जाएगा जिससे कि आपके आँखों में रोशनी जाएगी ही नहीं। और दोस्तों उसके नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन टाइम लॉक, इसमें आप 15 सेकंड से 30 मिनट तक अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो जिससे कि आपका स्क्रीन का टाइम लॉक रहेगा। उसके नीचे में आप देख सकते हो दोस्तों ऑटो रोटेशन स्क्रीन, ये जो ऑन है। और दोस्तों इसमें आपको स्क्रीन कलर देखने को मिलेगा जो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा या कम कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके नीचे आता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसमें आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हो या फिर यहाँ पर थीम वॉलपेपर, इतने सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होम सेटिंग, सिंपल मोड। सिंपल मोड का मतलब यहाँ पर जैसे दोस्तों कि अगर आपको कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट, एल्बम, फोटो, कैमरा, ये सब चीज़ होगा तो फिर यहाँ पर सिंपल मोड में आप ऑन कर सकते हो। इतना ही से आपके फ़ोन में रहेगा, इससे आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो कम खपत होगी। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स। दोस्तों ये जो होती है बहुत खास होती है, ये हर एक फ़ोन में रहता है वीवो के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपका जो मेन मेन्यू होता है उसको आप ओपन करोगे तो फिर अगर आप इस साइड इसमें करके अप्लाई करोगे तो फिर आपका जो मेन मेन्यू इसे स्वाइप करोगे तो फिर सारे ऐप्स एक साथ ऐसे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे। इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका फ़ोन लॉक है तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी थीम डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सेटअप करके अप्लाई कर सकते हो। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर देखते हो चार्जिंग लोगो, तो फिर आप यहाँ पर अलग अलग लोगो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, जो आपके चार्जिंग होते टाइम दिखाई देगा। अपने हिसाब से कोई भी सेटअप करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। फिर इसके नीचे आता है दोस्तों साउंड का, यहाँ पर आपका मीडियम वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। और आप कोई भी अपने फाइल मैनेजर में डाउनलोड करके रिंग टोन को यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम अपडेट, इसमें आपका सिस्टम के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिस्टम अपडेट होने वाला है तो फिर सिस्टम अपडेट का आपको इसमें वर्जन देखने को मिलेगा। सिस्टम अपडेट के बाद आपको क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड मिलेगा इस फोन के अंदर में, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर दोस्तों आप बैटरी आता है, बैटरी में क्या होता है कि आपका जो चार्जिंग कितना है उसको दिखाते हैं और कितने दिन तक हुआ है उसको दिखाएंगे और कितने दिन पहले चार्ज हुआ था वो इसमें दिखाएंगे। लास्ट फुल चार्ज 58 डेज पहले हुआ था। ये नया फ़ोन है, इसको मैंने अभी भी ओपन किया है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन यूज साइन फुल चार्जिंग 55 मिनट, मतलब 55 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर बैटरी परसेंट दिखाई, इसको अगर ऑन करते हो तो फिर आपको यहाँ पर 23% का सामने मेन्यू में दिखेगा, अगर इसको ऑफ करते हो तो फिर यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये जिसमें खासियत दिया हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों इस फ़ोन का सबसे खास फीचर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस फ़ोन में आपको 4 GB एडिशनल दिया हुआ है। तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस में अगर आप जाते हो तो फिर यहाँ पर देख सकते हो रैम करके दिखा हुआ है, इसमें आकर के यहाँ बटन ऑन करोगे तो फिर आपका जो फ़ोन है उसमें 4 GB इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 8 GB का तो ये फ़ोन है प्लस 4 GB इंक्लूड हो जाएगा। इसमें आपको टोटल 12 GB रैम मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया दोस्तों, अगर आप इसको ऑफ़ करोगे तो फिर यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलेगा 5 सेकंड का। उसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट नाव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इसको अगर आप ऑफ कर देते हो तो फिर ये फ़ोन बंद होकर के चालू हो जाएगा। नीचे में आता है दोस्तों सिक्योरिटी का ऑप्शन, यहाँ पर आप पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, इन सारे चीज़ों का आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे अपने फ़ोन को सिक्योर करने का। गूगल का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, सिक्योरिटी अपडेट, फाइंड माई डिवाइस, इस सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नीचे में आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी, प्राइवेसी में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो फ़ोन है उसका एक अलग से प्राइवेसी पासवर्ड होता है जिसमें आप कुछ अपने फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट छुपा कर रख सकते हो। ये अच्छा चीज़ होता है दोस्तों, यहाँ पर आप प्राइवेसी पासवर्ड बना करके यहाँ पर कोई भी चीज़ छुपा सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लोकेशन, अपने फ़ोन का लोकेशन किसी को भेजना है तो फिर यहाँ आपको इन सारी चीज़ों से आपको देखने को मिल जाएगा, फ़ोन का लोकेशन आप किसी को भेज सकते हो। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड, गेमिंग वगैरह खेलने के लिए अल्ट्रा गेम मोड यहाँ पर दिया हुआ है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स कैप्चर, 3 फिंगर से आपका स्क्रीन शॉट होगा यहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन और दिए हुए हैं, इसके बैक करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट स्लिप, इसमें आप जाते हो तो फिर यहाँ पर आप अगर नीचे से ऊपर करोगे तो फिर आपका जो
एप्लीकेशन है, मतलब एक साथ आप दो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो नीचे से ऊपर करने पर। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट मोशन, स्मार्ट मोशन के अंदर में आपको स्मार्ट वॉच मिलेगा, इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्वैप टू अनलॉक, जैसे कि इस बटन को आप ऑन कर दे हो तो अगर आप नीचे से ऊपर करते हो तो फिर आपका जो एक मतलब बंद स्क्रीन में एक वाइट कलर का लाइन खींचेगा और उसके बाद आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। उसको डाउन स्वैप डाउन टू टैग अ फोटो, इसमें आप ऑन करते हो तो फिर आपका फोटो मतलब कैमरा ऑन हो जाएगा, अगर आप ऐसा सी करके बनाते हो या फिर ऐसे ऊपर करते हो तो फिर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ड्राइड एम टू प्ले म्यूज़िक, इसको ऑन करने से आपका म्यूज़िक बजेगा। और ये दोस्तों इसमें चार्जिंग म्यूज़िक मतलब चेंज म्यूज़िक हो जाएगा आपका, स्विप टू म्यूज़िक मतलब अगर आप एम करके फिर से बराबर करोगे तो फिर आपका म्यूज़िक बंद हो जाएगा। इससे आपका दोस्तों ब्राउज़र ओपन होगा ई का सेव बनाने से, और एफ़ का सेव बनाने से आपका फेसबुक ओपन होगा। फिर अगर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल, गूगल में आपका अकाउंट वगैरह जो होता है उसको आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके फ़ोन में कितना अकाउंट बना हुआ है, और यहाँ से आप अपने अकाउंट को देख सकते हो कि किसके नाम से बना हुआ है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर अकाउंट्स में आप अपने अकाउंट को हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है वो सारा सब तो करेंगे आपको हटा सकते हो आप। सिस्टम में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, इस फ़ोन का सिस्टम के बारे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। टाइम एंड डेटा लैंग्वेज आपको दिखेगा यहाँ पर, रिस्टोर डाटा मिलेगा आपको, रिस्टोर ऑप्शंस मिलेंगे, फ़ोन प्लान मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। अबाउट फोन दोस्तों इस फ़ोन का आपको फीचर देखने को मिलेगा, जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पर ओक्टा कोर का प्रोसेसर है इस फ़ोन में, और दोस्तों आपको 8 GB प्लस 4 GB का रैम मतलब 12 GB का देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन है दोस्तों 11 का, फोन स्टोरेज 128 GB का, इसको आप बढ़ा सकते हो 1 TB तक का।